देखो रिजॉल्विंग पावर है क्या, हम रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर दो चीजें करेंगे, एक माइक्रोस्कोप करेंगे और एक टेलीस्कोप करेंगे, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। क्लियर है यहां तक? माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पढ़ेंगे। मैग्नीफाइंग पावर वही है जो टेंथ के अंदर आप मैग्नीफिकेशन पढ़ा करते थे, वी बाई यू, इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये वही चीज है। मैग्नीफाइंग पावर होती है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट छोटा है और मैग्नीफाइंग पावर 5 गुना ज्यादा है या 5 है, इसका मतलब उसकी जो इमेज है वो 5 गुना ज्यादा बनेगी, ये मैग्नीफाइंग पावर है। हम यहां पर मैग्नीफाइंग पावर नहीं स्टडी करने जा रहे, आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की दो पावर्स होती हैं, एक मैग्नीफाइंग पावर होती है और एक रिजॉल्विंग पावर होती है। मैग्नीफाइंग पावर हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें वी बाई यू, इमेज का डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो वी बाई यू या एच टू बाई एच वन आपने टेंथ में किया। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है, ये मैंने आखिरी स्टूडेंट से पूछा कि क्या तेरे को ये नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है, उसने कहा कुछ लिखा तो हुआ है पर अंदर समझ नहीं आ रहा कि लिखा क्या हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि क्या इसमें गैप है अक्षरों में, अगर अखबार का पेज लेके बैठ जाऊंगा ना अखबार तो आपको गैप भी दिखेगा नहीं, आपको लगेगा काले काले अक्षर ब्लैक ही ब्लैक हुआ पड़ा है, आप गैप प्रॉपर देख नहीं पाएंगे। आपको दो अक्षरों में स्पेस, आप दो अक्षरों को अलग करके नहीं देख पाएंगे, आपको लगेगा वो एक ही वर्ड है। तो कोई भी अगर मान लो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या हमारी आंख भी है, इसके अंदर तो लेंस होता है आई लेंस, अगर वो दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश करके देख ले तो यानी कि उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ी है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या चीज है, रिजॉल्विंग पावर है पावर टू डिफरेंशिएट टू ऑब्जेक्ट। मैंने ये नहीं कहा बड़ा करके दिखाना, ना वो मैग्नीफाइंग पावर है, मैंने कहा अलग अलग करके दिखाना। तो मैग्नीफाइंग पावर से अलग रिजॉल्विंग पावर क्या चीज है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके कोई मशीन दिखा दे अगर या इंस्ट्रूमेंट दिखा दे, उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़िया मानी जाती है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे, दोनों की रिजॉल्विंग पावर करेंगे, तो पहले रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। लेकिन उससे करने से पहले एक बड़ा सिंपल सा फिनोमेना इसमें दिखाया हुआ है। मान लो ये मेरी आंख का रेटिना है, पीछे इमेज बनेगी, तो ये पर्दा है रेटिना है और ये आंख की ओपनिंग है, आई लेंस लगा हुआ है इसमें, ओपनिंग है। तो इमेजिन करो यहां पर कुछ अक्षर है जो मुझे अलग अलग मुझे दिख रहे हैं अलग अलग, क्योंकि मैं इसको रिजॉल्व कर पा रहा हूं, पर इस आंख को दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे, ये काफी दूर है या काफी पास है, हो क्या रहा है, इसमें से रेज निकल रही है, कोने पे आई लाइट आई, ऑब्जेक्ट से टकरा के आंख में जा रही है, कोने पे आई, अब कोने से टकरा के क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हो गई, लाइट की बेंडिंग हो गई, लाइट की बेंडिंग को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, लाइट बेंड कर गई इधर से भी और इधर से भी, और पूरे पर्दे के ऊपर रेटिना के ऊपर लाइट ही लाइट गिर गई, ओवरलैपिंग, यहां पर जो इमेज बननी चाहिए थी, यहां पर जो इमेज बननी चाहिए थी वो ओवरलैप हो गई, मैं या मेरी आंख डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये दो ऑब्जेक्ट है, मुझे लग रहा है कि बीच में गैप है ही नहीं, क्योंकि बीच में जो गैप दिखना चाहिए था गैप यहां पर नहीं आ रहा। गैप कब दिखेगा, गैप तब दिखेगा जब ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट आई, ये देखो ये अलग है और ये अलग है, दो अलग अलग इमेजेस बन रही है और बीच में गैप भी दिख रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये जो आंख है ये रिजोल्व कर पा रही है दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग, लेकिन ये आई रिजॉल्व नहीं कर पा रही। अगर बहुत दूर एक स्टार है, एक्चुअल में दो स्टार्स हैं पर मुझे वो एक दिख रहा है क्योंकि वो बहुत 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 दूर है, तो वहां से अगर लाइट आएगी तो ऐसा ओवरलैपिंग पैटर्न दिखाएगी मेरे को, मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाऊंगा कि एक्चुअल में वो एक है या दो है। अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, और इतना छोटा कि मेरी आंख देख भी नहीं पा रही, देख ही नहीं पा रही उसे, और वो एक नहीं, वो तो दो दो तीन तीन ऑब्जेक्ट है और उनके बीच में दूरी भी है, तो माइक्रोस्कोप लगा के मैं उनको अलग देख पा, देखो माइक्रोस्कोप के दो काम है, मैग्नीफाई तो करता ही करता है, बड़ा तो करेगा ही करेगा, अलग भी कर देगा। तो बड़ा करने को कौन सी पावर बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, अलग करके दिखाना, स्पेस दिखाएगा, गैप दिखाएगा, उसमें आपकी आंख पर जो इमेज बनेगी गैप के साथ बनेगी, तो उस इंस्ट्रूमेंट की क्या कहलाएगी, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर के अंदर सबसे पहली चीज है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप के अंदर आप फॉर्मूला बुकलेट में से प्लीज नोट करें, डायग्राम बनाएं, ये पक्का पेपर में आएगा एनसीईआरटी के,
आपके बोर्ड के पेपर के अंदर रिजॉल्विंग पावर के ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। टेलीस्कोप के अंदर ये टेलीस्कोप का लेंस है, ये इसका डायमीटर है, डायमीटर या अपर्चर एक ही बात है, रेज आ रही हैं, यहां पर फोकस कर रही हैं, और ये जो एंगल बना रही हैं वो एंगल डेल्टा थीटा है। ये डेल्टा थीटा का मतलब है मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन। मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन का मतलब ये कम से कम वो एंगल है जहां पर आपको कम से कम दो ऑब्जेक्ट अलग अलग तो दिखते हैं, तो डेल्टा थीटा वो मिनिमम एंगल है। अगर ये एंगल इससे छोटा हो जाए जो ये बनेगा, फिर आपको नजर नहीं आएगा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, आपको लगेगा वो एक ही ऑब्जेक्ट है। तो डेल्टा थीटा को लिखें मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन, जिसकी वैल्यू ये लिखें 1.22 लैम्डा बाय ए, ये लिखें सीधा 1.22 लैम्डा बाय ए, ठीक, ये फॉर्मूला लिखें। और जो रिजॉल्विंग पावर होती है टेलीस्कोप की, वो मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन के रेसिप्रोकल होती है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ए अपॉन 1.22 लैम्डा, ये लिखें रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया, इसका प्रूफ कैसे हुआ? प्रूफ तो हुआ डिफ्रैक्शन से, क्योंकि एक्चुअली सारी गेम किसकी है, डिफ्रैक्शन की। हम दो चीजों को अलग तब देख पाएंगे क्योंकि लाइट ने कॉर्नर ऑफ लेंस से क्या होना है, बेंड होना ही होना है, तो उसकी आंख के ऊपर डिफ्रैक्शन होनी होनी है। और जब वो डिफ्रैक्शन करेगा लाइट की, तो उसमें जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये करना नहीं है, इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, हम नहीं करते, हमें पूछा भी नहीं जाएगा ये फॉर्मूला कैसे बना। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ए साइन थीटा एन लैम्डा, ए साइन थीटा एन लैम्डा, वेयर डेल्टा थीटा क्या एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एंगल स्मॉल है डेल्टा थीटा, लैम्डा वन लैम्डा की जगह एक्चुअल में यहां पर 1.22 लैम्डा होता है, जबकि हम तो इंटीजर करते हैं या हम होल नंबर करते हैं, हम तो फ्रैक्शन करते ही नहीं है। यहां से चेक करो ये फॉर्मूला बनाए, तो यानी कि जिसने भी ये फॉर्मूला बनाया उसने डिफ्रैक्शन को ही स्टडी किया होगा, सिर्फ बताने के लिए बताया, करना नहीं है ये, आपको सिर्फ फॉर्मूला करना है। आपके एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप अगर आया तो लिख लेंगे। आपको दो टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाएंगे कि अगर मैं वेवलेंथ ऑफ लाइट को बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो क्या होगा रिजॉल्विंग पावर का? तो लैम्डा को बढ़ाने का मतलब रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लैम्डा कम करने का मतलब रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और पक्का आएगा, रिजॉल्विंग पावर के ऊपर आता है। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर कोई लिक्विड होता है जिसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, लाइट आती है वो यहां गिरेगी, आधा एंगल थीटा बनाएगी। इसके अंदर एक टर्म है डी मिनिमम। डी मिनिमम का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कम से कम कुछ तो दूरी होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट की इससे भी कम हो गई तो फिर आपको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, आपको लगा एक ही ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डी मिनिमम है। तो डी मिनिमम का फॉर्मूला भी माइक्रोस्कोप जिसने ये डेरिवेशन बनाई उसने हमें बताया, डिफ्रैक्शन करके 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। अच्छी बात यह है कि इसके डिनोमिनेटर में जो मिनिमम एंगल है उसमें भी 1.22 लैम्डा, इसके अंदर भी 1.22 लैम्डा, रादर यहां पर लैम्डा बाय म्यू है। पता है क्यों लैम्डा बाय म्यू है? क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है किसी लिक्विड का, तो लैम्डा लैम्डा बाय म्यू हो गया और साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला लिखे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन का, और जो रिजॉल्विंग पावर है वो इस टर्म के रेसिप्रोकल है। तो फॉर्मूला लिखें, रिजॉल्विंग पावर जो है इसके डी मिनिमम के रेसिप्रोकल है, तो इसको उल्टा कर दें, उल्टा करेंगे तो क्या आएगी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। दो फॉर्मूलाज आपने इसमें नोट करने हैं, ठीक है यहां तक? ठीक है, तो ये क्लियर है यहां तक? रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू आ गई 2 म्यू साइन थीटा पाई 1.22 लैम्डा, याद रखनी है। इसके अंदर म्यू साइन थीटा को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल अपर्चर या न्यूमेरिकल अपर्चर या ऑप्टिकल अपर्चर, ये भी लिख लें। तो रिजॉल्विंग पावर के अंदर वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मैं म्यू बढ़ा दूं तो क्या होगा रिजॉल्विंग पावर का, मैं लैम्डा बढ़ा दूं तो क्या होगा रिजॉल्विंग पावर का, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपकी डिटेल इसके ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो हम मतलब डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट पे कर रहे हैं, पर इतनी कॉम्प्लेक्स डिफ्रैक्शन हम नहीं कर रहे, ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्स डिफ्रैक्शन नहीं कर रही है, बता रहा हूं, ठीक है यहां तक? तो फॉर्मूला कर लिया।
टेलीस्कोप के अंदर ये फॉर्मूला किया, जहां आपने टेलीस्कोप का फॉर्मूला लिखा रिजॉल्विंग पावर का, ए अपॉन 1.22 लैम्डा, उसमें डिनोमिनेटर ऑफ अ माइक्रोस्कोप को क्या लिखेंगे, 1.22 लैम्डा को की वैल्यू दोनों में माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में क्या रहती है, एग्जैक्टली सेम रहती है, तो रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा दोनों केस में। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप में ए को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, और माइक्रोस्कोप में ए साइन थीटा को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, तो ए साइन थीटा की वैल्यू अपर्चर है, म्यू साइन थीटा का मतलब ऑप्टिकल अपर्चर है। ये दो टर्म्स को आपको सीखना है। अगली शीट भी जो मैंने डाली वो कहीं और से बनाई होगी, किसी और बुक से या कहीं से भी सेम है, सेम इसमें ये बनाया हुआ है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला हमने कर लिया। इसके अंदर ये जो टर्म है न्यूमिनेटर, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर या ऑप्टिकल अपर्चर, ये कर लिया। टेलीस्कोप का फॉर्मूला कर लिया। सीबीएसई बोर्ड में ये पेपर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन टर्म रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, हाउ डज इट गेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ए को बढ़ाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर का क्या होगा, और सेकेंड है इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर का क्या होगा। तो पहले डिफाइन करना है, रिजॉल्विंग पावर इज अ कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व टू पॉइंट्स विच आर क्लोज टूगेदर, उनको अलग अलग करके दिखाता है। फिर आपने लिखना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला, पहले पार्ट का आंसर देना है कि अगर मैं अपर्चर बढ़ाऊंगा, ए बढ़ाऊंगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। पहला आंसर, ए बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी, रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, अपर्चर है। दूसरा, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर के अंदर फोकल लेंथ नहीं आती, तो इसलिए फोकल लेंथ कम या ज्यादा करने से रिजॉल्विंग पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? इन टाइप के क्वेश्चंस को देखा गया है सीबीएसई के अंदर बहुत ज्यादा आते हुए, और इन टाइप के क्वेश्चंस को ही मैंने आपकी आज की जो वेव ऑप्टिक्स की असाइनमेंट, मैंने आपको जो स्पेशल प्रिंट निकाल के दिया है एनसीईआरटी का, तो वो इन टाइप की प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया गया इसमें। तो अगर मैं फ्रिंज विड्थ बढ़ा दूं, ऑपरेटर्स को इसमें डाल दूं, पानी में डाल दूं, ग्लास में डाल दूं, कैपिटल डी बढ़ा दूं, स्मॉल डी बढ़ा, इस टाइप की कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को उस शीट में सारा सॉल्व किया गया, इंक्लूडिंग टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप जो क्वेश्चन है वो भी करती है इसमें। ठीक है, इसलिए वो शीट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको फॉर्मूले तो पता है पर आपको आइडिया नहीं कि पेपर में क्या आएगा, तो वो पेपर में आइडिया देगा कि क्वेश्चन के अंदर कैसे आंसर देने आपको। क्लियर है यहां तक? ठीक, रिजॉल्विंग पावर के ऊपर जैसे ये न्यूमेरिकल भी, दो तीन न्यूमेरिकल डाल रखे हैं। एज्यूम दैट लाइट जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है इज कमिंग फ्रॉम स्टार, लैम्डा पता है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस हैज अ डायमीटर गिवन। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। भैया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब होता है मिनिमम एंगल जिससे कि दो ऑब्जेक्ट अलग अलग करके दिखते हैं, जो हमने क्या सीखा, डी थीटा या डेल्टा थीटा। तो डी थीटा या डेल्टा थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.22 लैम्डा बाय डी। आपको इस क्वेश्चन में वेवलेंथ गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में डायमीटर 100 इंच गिवन है, जो कि सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपको कन्वर्जन फैक्टर भी गिवन है। आप यहां से वैल्यू पुट करोगे लैम्डा डी का, तो रेडियंस में आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले तो है ही दो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहचान ही नहीं पा रहे कि ये क्वेश्चन रिजॉल्विंग पावर का है, कि उसने क्या पूछ लिया, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो एक काम क्यों नहीं करते, फॉर्मूला बुकलेट आपने बना रखी है, जहां रिजॉल्विंग पावर लिखी या जहां डी थीटा डेल्टा थीटा लिखा उसके आगे लिख लो उसका दूसरा नाम है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिख लो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन, ये आपका डी थीटा दोनों में सेम रहता है, तो इसका दूसरा नाम है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप लिख लो प्लीज। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ना एक बार प्लीज।
ठीक है, टेलीस्कोप इज यूज टू रिजोल्व टू स्टार्स सेपरेटेड बाय, तो दो स्टार्स है तो डी थीटा गिवन है, डी थीटा गिवन है, तो क्या करना है, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज गिवन, लैम्डा गिवन है, व्हाट इज द अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप, डी थीटा गिवन है, लैम्डा गिवन है, अपर्चर क्या होता है, कैपिटल डी, तो सॉल्व करके कैपिटल डी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहां तक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है। ये जो एंगल डी थीटा है ये बनता कहां पर है, ये डी थीटा एंगल कहां बन रहा है, अब मतलब बन तो रहा है पर मैं टेलीस्कोप लेके बैठा हूं, हो क्या रहा है, कहां, आंख के ऊपर, एक्चुअल में क्या हो रहा है, रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, हम स्टार को देख रहे हैं तो रेज इंफिनिटी है, इंफिनिटी पे आके अगर उसने कुछ एंगल डी थीटा बनाया, थोड़ा ठीक ठाक बनाया, फिर तो दो ऑब्जेक्ट अलग दिख जाएंगे, अरे जब बनाया ही नहीं, एंगल इतना छोटा बनाया, सारी रेज इकट्ठा वहां पर जीरो एंगल बना, तो मैं डिफ्रेंशिएट क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, तो डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा कि वो सही दो है कि नहीं है, मुझे क्या पता, तो इनफाइनाइट से रेज चाहिए बेसिकली मेरे को, ठीक है, जैसे बता रहा हूं कि वो टेलीस्कोप जो है वो कहीं पर फोकस कर रहे हैं आंख के ऊपर। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ आई प्यूपिल गिवन है, यानी कि ए या कैपिटल डी जो मर्जी कह लो गिवन है, अपर्चर को कैपिटल डी या ए कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डायमीटर गिवन है 2 × 10⁻³ ए गिवन है, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन एट विच टू पॉइंट्स ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्टिंक्टली सीन व्हेन व्यूड इन द लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन, तो लाइट की वेवलेंथ गिवन है और टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली मैं देखना चाहता हूं और निकालना क्या चाहता हूं, स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन, तो मिनिमम या स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, डी थीटा, या जब हमने डी थीटा 1.22 लैम्डा बाय ए, लैम्डा आपको गिवन है, ए आपको गिवन है, सॉल्व करके क्या आ गया, रेडियंस में आंसर आ गया, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें,